नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं कपिल आपके साथ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उस संकट की जो उत्तराखंड के लोगों पर फिलहाल लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लोग दहशत में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। जोशीमठ के मकान हो, खेत हो, सड़क हो, दुकान हो या फिर जमीन, हर जगह बस दरारे ही दरारे हैं। और ये दरारे इतनी चौड़ी और गहरी हो चुकी हैं कि फिलहाल सरकार बड़ा कदम लेने को मजबूर हो रखी है। पिछले कई महीनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। 7 फरवरी 2021 के बाद से इस इलाके में कई तरह की दरारें दिखना शुरू हुई थीं। सरकार किसी भी तरह की तबाही से बचने के लिए फिलहाल जो कोशिश हो सकती है वो करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संकट को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वहां से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही बनता है कि इस इलाके में आखिर स्थिति ऐसी बनी तो बनी क्यों। जोशीमठ की अगर बात करी जाए तो वो भारत चीन सीमा के करीब है। यहाँ से सड़क नीति की अगर बात करी जाए तो वो घाटी की ओर जाती है, जो सीमावर्ती इलाका है। जिस तरह से चीन दावा करता है कि एक पास का इलाका उसका है, इसको लेकर दोनों देशों की सीमाओं के बीच लगातार तनाव बना रहता है। ये इलाका जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। जोशीमठ के ऊपर ही औली है, जो पर्यटन स्थल भी है और आजकल काफी फेमस है, जहां लोग स्कीइंग डाइविंग के लिए जाते हैं। औली में अगर माना जाए या फिर देखा जाए तो हमेशा बर्फ रहती है और ये जमीन से 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है। जोशीमठ की बात करी जाए तो ये पहाड़ की एक ढलान पर मौजूद है। जोशीमठ के सामने हाथी पर्वत है। इसके सामने से घाटियों से होता हुआ रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है। दाईं ओर से फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर के साथ साथ हेमकुंड के लिए रास्ता भी जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि 1939 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड होने के बाद उस जगह पर बसा हुआ कहिए कि एक इलाका है। और ये लैंडस्लाइड होने के बाद इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि अगर यहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है या इस तरह का कोई बड़ा टनल बनाने के लिए ब्लास्ट किया जाता है तो ये जो जोशीमठ शहर है ये सह नहीं पाएगा। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि 7वीं शताब्दी में उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश ने इसे राजधानी बनाया था और तब से यहाँ पर लगातार बसावट शुरू हुई। पिछले कुछ समय से आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये न केवल एक बस्ती की तरह था बल्कि यहाँ अब हजारों घर हो चुके हैं। या फिर कहिए कि जिस तरीके से ईंट और कंक्रीट से लगातार होटल बनाए जा रहे हैं, ये भूकंप को कहीं ना कहीं आमंत्रण देता है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और लगातार NDRF से लेकर तमाम जो बड़ी टीमें हैं वो सरकार ने भेजी हैं। कोशिश यही है कि यहाँ से लोगों का पलायन किसी और जगह किया जाए। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि लोग अगर अपना घर छोड़कर जो उन्होंने पुश्तें यहाँ पर बिताई या फिर कहिए खून पसीने की कमाई एक करके जिस जगह को जिस घर को उन्होंने बनाया, अब वो जहाँ पर जाएंगे क्या वहाँ पर उन्हें रोज़गार मिलेगा या फिर वहाँ पर उन्हें पक्के मकान मिलेंगे तो क्या वो हमेशा के लिए उनके होंगे। इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।